नेपाल में दर्दनाक बस हादसा, 41 भारतीयों की चली गई जान, एक्शन में आई केंद्र सरकार। नेपाल के तनहुँ जिले के आइना पहाड़ा में दर्दनाक बस हादसा हो गया। दरअसल एक भारतीय टूरिस्ट बस हाईवे से करीब 150 मीटर नीचे नदी में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में करीब 41 लोगों की जान चली गई, जबकि बाकी लोगों का रेस्क्यू किया गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि बस में ड्राइवर और कंडक्टर समेत 43 लोग सवार थे। टूरिस्ट बस पोखरा के रिजॉर्ट से काठमांडू की ओर जा रही थी, इसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने सभी प्रभावित लोगों की मदद के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक उन्होंने कहा, काठमांडू में हुई दुखद घटना के संबंध में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय से बात की गई है। गृह मंत्री ने सभी प्रभावित लोगों की मदद के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे नेपाल के तनहुँ जिले में बस हादसे के पीड़ितों और घायल लोगों की वापसी की निगरानी के लिए शनिवार को नेपाल पहुंच गए। काठमांडू में भारत स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक 23 अगस्त को तनहुँ जिले के आनबू कैरेनी इलाके में भारतीय नागरिकों को ले जा रही बस राजमार्ग से उतरकर नदी में जा गिरी और ये दर्दनाक हादसा हो गया। हालांकि इस हादसे में जो भी घायल हैं उनका इलाज अभी जारी है और भारत सरकार की इस पर पूरी नजर भी है। तो वहीं गोरखपुर ADM विनीत कुमार सिंह का कहना है कि बस ड्राइवर और क्लीनर जो गोरखपुर के रहने वाले थे उनकी भी इस हादसे में जान गई है। दो अन्य बसों में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। आइए आपको सुनाते हैं विनीत कुमार का पूरा बयान। उन्होंने इस हादसे को लेकर क्या कुछ कहा और क्या बताया कि किस तरह से सुरक्षित लोगों को भारत लाया जाएगा। नेपाल में कल एक दुखद हादसा हुआ है, जिसमें एक ट्रेवल टूरिस्ट की बस खाई में गिरने की वजह से कई भारतीयों की मृत्यु हुई है, जिसमें लगभग 28 लोगों की डेथ हुई है। ज़्यादातर लोग जो डेथ केसेज हैं वो सभी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, लेकिन ड्राइवर और बस के क्लीनर ये दोनों गोरखपुर के ही हैं। एक गोरखपुर जनपद के तुरा बाजार के हैं ड्राइवर, और क्लीनर गोरखपुर से ही लगा हुआ कुशीनगर का थाना लगता है, अहिरौली बाजार, वहाँ के रहने वाले हैं। केसरवानी ट्रेवल्स की बस थी और उनके बस मालिक से भी बात हुई है। जो बच्चे, इसके अलावा दो अन्य बसों में भी साथ में इनके यात्री गए हुए थे, वो सभी सुरक्षित हैं। वो सभी वापस आज गोरखपुर आ रहे हैं। गोरखपुर में उनके द्वारा हाल्ट किया जाएगा, यहाँ पे उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था की जाएगी, फिर यहाँ से आगे की यात्रा वो अपने माध्यम अन्य जो सरकार द्वारा सुझाव दिए जाएंगे उसके माध्यम से उनको मुंबई तक पहुँचाया जाएगा। ड्राइवर और क्लीनर के एम्बुलेंस के माध्यम से सब आ रहे हैं, और बॉर्डर पे हमारे मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं जो गोरखपुर के हैं। इसके अतिरिक्त महाराजगंज से SDM तहसीलदार और CO मौके पर गए हुए थे नेपाल, वो उस शव को लेके आ रहे हैं और बॉर्डर पे हमारे अधिकारी उसको रिसीव करके उनके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत सारे यात्री महाराष्ट्र के थे सर, तो उनके शव को कैसे कहां ले जाया जा रहा है? जो महाराष्ट्र के यात्रियों की डेथ हुई है, अभी जो उनके बारे में सूचना प्राप्त हो रही है, वो संभवतः महाराष्ट्र से ही एक फ्लाइट सीधे नेपाल जा रही है, और नेपाल के भरतपुर वहां पे एक एयर स्टेशन है, वहां से उसको सीधे एयरलिफ्ट करके महाराष्ट्र ले जाएंगे। ऐसी भी सूचना आ रही है कि जो महाराष्ट्र में जो अन्य यात्री हैं वो गोरखपुर आ रहे हैं, ऐसे इसको लेकर क्या अपडेट है? जो महाराष्ट्र में जो अन्य यात्री हैं जो सुरक्षित हैं वो सभी बाई रोड चल चुके हैं वहां से, और वो गोरखपुर आएंगे, यहाँ पे हाल्ट करेंगे, यहाँ पे उनके रहने खाने की व्यवस्था की जाएगी, फिर आगे की यात्रा यहाँ से गोरखपुर से।